घाघरा के कहर से देवारा खास राजा के तीन पूर्वे के लोग हुए बेघर। मदद के लिए बेचू यादव ने बांटा तिरपाल। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा नदी के जल सैलाब से महुला गढ़वल बांध के उत्तर लोगों को नदी घटने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जैसे जैसे नदी घट रही है अपने तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज कर दिया है। अब तक देवारा खास राजा के तीन पूर्वे, मुरारी का पूर्वा, त्रिलोकी का पूर्वा और भीमली का पूर्वा, घाघरा नदी में विलीन हो चुका है। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवारा खास राजा घाघरा की कटान की चपेट में आ चुका है। जिन लोगों के घर कटान में कट चुके हैं वे लोग बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खाना पकाने के लिए जगह नहीं है। बाढ़ क्षेत्र में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। इसी दौरान भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने देवारा खास राजा के बगावा में हो रही कटान का दौरा किया। जिन लोगों का मकान घाघरा में विलीन हो चुका है और इस बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को तिरपाल देने का कार्य किया। सैकड़ों लोगों को उनके ठिकानों पर जाकर तिरपाल दी। बेचू यादव ने बताया कि लगातार हो रहे कटान से देवारांचल के लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ आने से लोगों की मुख्य फसल गन्ना और धान बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उन्होंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि मैं शासन प्रशासन से मिलकर आप लोगों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व ही बेचू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को अपने संगठन की तरफ से नाव के लिए 30,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी, ताकि लोग नाव खरीदकर अपने रोजमर्रा के सामानों को लेने के लिए बाजार जा सकें। इस मौके पर कमलेश यादव, जुगल किशोर, राम समूज, सीताराम, चंद्रजीत चौहान, अमरनाथ विश्वकर्मा, प्रभुनाथ, बैजनाथ, गिरजा शंकर यादव, हरिराम चौहान, रामानुज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। यादव, मैं भारत परिषद संगठन का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। सर, आज आपने कटान क्षेत्र का दौरा किया है, क्या देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कटान क्षेत्र का मैं जो दौरा किया हूँ, इसमें ये देख रहा हूँ कि पूरे इस नदी में जो है लोगों का 70-80 लोगों का घर तो अभी 4-5 दिन पहले इसमें बह गया है। ये लोग बेघर होकर के दूसरों के घरों पर जा करके किसी तरह मंडी तिरपाल डाल करके जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं दूसरे के घर में जो है। खेती बाड़ी सबकी इसमें कट गई जो है, और लोगों की जो समस्याएं यह हैं कि आज खाने के लाले पड़े हुए हैं, सारा चीज़ हमारा बर्बाद हो गया बाढ़ में। इस समय कटान भी हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी लेखपाल से लगाए SDM और DM और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, अब तक आज हफ्तों से कट रहा है कटान जो है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया कि 70-80 लोगों का घर कट गया है। ये लोग बेचारे कहाँ रह रहे होंगे, कैसे इनका जीवन यापन होता होगा, यह कोई आज तक यहाँ जानने के लिए नहीं आया जो है। मैं जब आया हूँ, लोगों से जब पूछा हूँ कि भाई आपकी क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं, तो लोग बताएं। अभी एक दूज यादव ने बताया है, एक बहुत वृद्ध आदमी, मैं अभी वहाँ गया था, तिरपाल दिया हूँ, वो बता रहे हैं कि मेरा बच्चा भी मर गया है, मेरा घर भी कट गया है, मेरा खेत भी कट गया है, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि बुढ़ौती के इस समय में वो आदमी कैसे परिवार का अपने भरण पोषण करता होगा, जिसका कोई आश्रय नहीं रह गया है। लेकिन उसकी सुध लेने के लिए ना कोई लेखपाल आया, ना कोई SDM आया, ना कोई BDO आया, ना सेक्रेटरी आया, कोई आज तक सुधी लेने वाला नहीं है। माने यहाँ देवारा के जो कटान क्षेत्र के जो लोग हैं, यह कितनी दुर्दशा झेल रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कितनी परेशानी के बेचारे सब झेल रहे हैं सब। मैं जब आया हूँ तो ये देखा हूँ कि यहाँ पर आज इनकी ज्वलंत समस्या है, जिसका घर कट गया है। तो कम से कम इन लोगों को एक तिरपाल की व्यवस्था मैं किया हूँ, घर घर जा करके, लोगों के दरवाजे दरवाजे जा करके एक तिरपाल की व्यवस्था किया हूँ कि तिरपाल रहेगी, कम से कम एक छाया तो हो जाएगी। चूँकि बारिश का समय है, घर भी कट गया है, दूसरे घर किसी तरीके से जाकर लोग रह रहे हैं, तो एक तिरपाल रहेगी, थोड़ा सा उनको एक बरसात का थोड़ा सा एक आश्रय मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही मुझे दर्द हुआ, बहुत ही यहाँ अपने को कष्ट महसूस मैं कर रहा हूँ कि इस देवारांचल में आज तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अच्छा, ये जगह कौन सी है? देवारा खास है। क्या समस्या है आपकी?
समस्या ये साहब खेती बाड़ी करके ऐसे लेकर रहा हूँ, वो मर गई ना हमारे पास भी उनसे बच्चा हुआ हो गया लेके आसान है। कैसे बच्चा कैसे मर गया? बच्चा तो घर न कमाए बाकी लागर मर गई ना भेटू ना। अब घर कट गया कैसे जिंदगी कटेगी? अब भगवान ने पाल रखा कौन सहारा रहा कि आज गाड़ी रुकी हूँ ना आप ही है ख्याल भाई। कोई अधिकारी वगैरह कोई नहीं अधिकारी कोई कुछ नहीं पूछा कि कैसे घर चलेगा कैसे क्यों ना कोई नहीं। ये पहली बार आ रहे हैं पूछ रहे हैं आपका हाल चाल? हाँ पहली बार है आप क्यों ना आए बगावा सर। क्या समस्या है आप लोगों? अरे यहाँ समस्या ये कटान चल रही है। अच्छा और इसमें कोई आने जाने वाला हम लोग का कोई कोई देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। कटान में आपका क्या नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान, घर कट गया। अच्छा। खेती कट गई, सब कुछ कट गया। तो कहाँ रह रहे हैं आप लोग? आप यहाँ पर दूसरे घर रह रहा हूँ। अच्छा कोई मदद? मदद तो कोई नहीं है। कोई अधिकारी वगैरह आए थे आपसे? कोई नहीं आया था अभी तक। नहीं कैसे तो जानकारी है प्रशासन को कि आपको मकान वगैरह सब ढह गया कट गया सब? प्रशासन को कब जानकारी देती तो प्रशासन अब करत पर, अब अगर जानकारी होगी तो नहीं आ रहा होगा प्रशासन, हम लोग क्या करेंगे? बहुत परेशान है हम, बहुत लोग परेशान, हम लोग परेशान हैं। द्वारखा राजा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये घर कट गई भाई दूसरे द्वारे फोन और थरिया बर्तन दूसरे के द्वारे फै हर फार कहीं और खेतारी में फेंकल है आ कोई आज तक लेकर आयल नहीं है ना कोनो साधन रहले के ना सुधले बनौले खैले के ये समस्या। सरकारी सुविधा नहीं मिले कोई ऑफिसर वगैरह? सरकारी कोई नहीं सुविधा भाई। कुछ पूछने भी कोई नहीं आया कि कट गया कहाँ रहेंगे कैसे? नहीं ये कोई नहीं आया है। परेशान है आप? हाँ लेखपाल तक लेकर कोई नेता नहीं यहाँ है। हो रही है उस संबंध में क्या कहना? मैं सर त्रिस्तरीय प्रधान न्याय पंचायत द्वारा खसा राजा उमेश चंद यादव हूँ। हमारे यहाँ बाढ़ आने से पहले ये लगभग मई के लास्ट में एक बार एसडीएम महोदय आई थी, ठीक उन्होंने गांव में घूम कर आप लोग पलायित हो जाइए, इस समय मानसून बढ़िया है और बरसात अच्छी होगी, ठीक मानसून अच्छी और बढ़िया की बात करके चली गई, बाढ़ आ गई, चौकियां बन गई उसके पहले जून में ही, पता आप लगाएंगे तो जून में ही चौकियां बन गई जिस पे कर्मचारी लोगों की ड्यूटी लग गई। लेकिन जब गांव कटना शुरू हुआ तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, न नाव दी गई न कुछ कह गई, आज भी आधे लोग पलायित होकर दूसरों घर में पड़े हुए हैं। अगर आपको व्यवस्था करनी थी तो उनके बसने की व्यवस्था पहले ही कल आपको पता था ना कि मानसून अच्छी है बाढ़ अच्छी आएगी, लेकिन आप आज इस कटान पे हटो पीछे सीन देख लो, आज भी आप कटान की सीन देख रहे हैं। यहाँ आज तक न कोई अधिकारी न कोई कर्मचारी इसकी खबर ले रहा है। आज हमारा प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय कटने जा रहा है, इस कगार पर है और अब तक हमारे गांव में 70 घर कट चुके हैं। हमें नहीं पता है लेखपाल साहब कब आते हैं कब जाते हैं, लेखपाल कभी संपर्क नहीं रखते हैं। मैं फ़ोन करता हूं अपना परिचय बता दूँ कि हाँ प्रधान जी ये कोई बात हुई क्या, आप आइए हमारे साथ आइए, हमको ढूंढिए, हमसे पूछिए, गांव देखिए, सबसे पता लगाइए कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। लेकिन यहाँ प्रशासन आप आज भी इस वक्त भी देख रहे हैं कटान की स्थिति भयावह स्थिति, लेकिन प्रशासन कब जगेगा हमें नहीं पता है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम शरणार्थी नहीं हैं, वो सोचते हो शरणार्थी, हम शरणार्थी नहीं, इस देश के नागरिक हैं, अपनी नागरिकता को लेकर लड़ रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं, हमें भी वही सुविधा दी जाए जो सबको दी जाती है। अगर यह विभीषिका आ गई है तो हमें भी सहायता मिलनी चाहिए, सहायता के नाम पर 5 लीटर तेल और एक राहत पैकेट बांट दिए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से हम वंचित हैं, ठीक ना। यहाँ किसी को सांप काट ले तो डॉक्टर कहता है कि यहाँ फर्स्ट एड है, अगर पता नहीं हम लगा दें तो हमारी इंसान मर जाए, उसको भी कहीं प्राइवेट सदन जाना पड़ता है। ये सब बातें हमारी हैं और हम चाहते हैं कि जब बाढ़ आती है तो गाँव की लाइटें कट जाती हैं,
तो क्यों ना पूरे गांव की लाइटें काट करके इस पूरे देवरा खास को सौर ऊर्जा से ही पूर्ण कर दिया जाए, हर घर को सौर ऊर्जा दे दिया जिससे सबका जीवन बराबर चले। इससे ज़्यादा हमको कुछ कहना नहीं है। समस्या जब घर द्वार कट गया तो समस्या तो बढ़ ही गई बा, खेती बाड़ी कट गई समस्या तो बढ़ ही गई बा। कितने दिन हो गया? अरे जन सही भयल कुल मिला जुला के 10 दिन कटले भयल है। अच्छा, वहाँ से कट के यहाँ आप लोग रह रहे हैं, कोई मदद? मदद तो ना कुछ मिले। कोई नेता वगैरह आया हो, कोई अधिकारी आया हो, कुछ मदद दी हो? किसी ने दिया है? ना किसी ना अभी नहीं आया, ना कुछ मिला ना कोई आया लगे। कोई नहीं आया? सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? आइए जो नहीं है पर्द बजे गुजर बता बता दिए, घर द्वार कट गया, खेती बाड़ी कट गई, रहे ठेकार ना कहीं अतिए कुल ना बता दिए। कौन सा गांव है ये? मूसा, अरे झगड़ा हवा, देवारा खास। हाँ, देवारा खास। क्या समस्या है आपकी? आई है अपन बेटी बेटा खेती बाड़ी कट गई। हाँ। कहाँ रह जाइ दू लड़का अपन अलगे रह, हम के तीन दू प्राणी अलगे रही ला, एक बिचलान लड़का लेके सब कट गया। हाँ खेत कट गया। कैसे घर घर कैसे चलता है फिर? हाँ? कैसे अपन अपन सब खाला, अभी तो गेहूँ रह अपन सब खाता बा, अब तक खेतों कट गए अब का खा लिया यह कुल तबा खेती कट गई है। अच्छा कोई मदद नहीं मिली? हाँ? सरकार की तरफ से कोई मदद मिली, कोई अधिकारी आया? कोई नहीं। तब भाई ना कुछ पौले हैं सब। अच्छा, अब भाई ना कुछ ना पौले हैं सब। जांच वोच भी करे आयल नहीं?